Dear students, we studied about heat and temperature. और हमने temperature के different scales का भी जिक्र किया और वो scales कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से measure किया जाता है आज हम ये सीखेंगे. लेकिन I'm telling you before we take a start कि इस topic के लिए आपको बहुत ज़्यादा focus करना पड़ेगा. आपके फुल अटेंशन की जरूरत है. जब आप ये वीडियो प्ले करना शुरू कर दिया अब आपने सारे काम छोड़ के इसको सुनना है. अगर पहली बारी में ना समझ आ जाए तो इसको दोबारा सुनना है ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मेरा जो एसए लॉ है उसके आपको समझ आ जाए. कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हैं और उनके तीन अपने अपने फॉर्मूले हैं, यानी हर एक को अपने फॉर्मूले से हम मेजर करते हैं. देयर आर थ्री कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, फारेनहाइट, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल. और ये स्केल्स क्या है, किस तरीके से इनकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटिफुल पिक्चर. सी दिस पिक्चर, राइट? तो प्यारे बच्चों, आपने यू कैन सी हियर, ये जो लिया गया है दिस इज टेकन अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्या है, ये हॉटनेस भी है और कोल्डनेस भी है. अब पानी जब आपके पास हो रूम टेम्परेचर पे तो वो किस फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में. आप लोगों ने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ी थी और वहां पे भी हमने डिटेल से वाटर को थ्री स्टेट्स में पढ़ा था. कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? जब ये ऊपर जाएगा तो ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा. इस वक्त ये किस स्टेट में है? लिक्विड में. और अगर हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज करेंगे, तो ये बर्फ बन जाएगा. आइस किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने आपको टेम्परेचर स्केल समझाने के लिए वाटर इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर बॉयल भी हो जा सकता है और वाटर फ्रीज भी हो सकता है. आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, जब पानी को हम फ्रिज में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर नीचे जाएगा. कितना नीचे जाएगा? जीरो, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर हम इसको बॉयल करना शुरू कर दें, हीट इसको दे इतनी हीट दे कि वो गैस में, जब इसका टेम्परेचर 100 से अप हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा. तो एक चीज और आप लोगों ने सीख ली, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. देख लिया प्यारे बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड. और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट है जब पानी को हम फ्रिज में रखते हैं और इसका टेम्परेचर कम करते हैं, जब ये टेम्परेचर जीरो तक पहुंच जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है. तो हमने आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस चीज का एग्जांपल लिया है? वाटर का. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जीरो डिग्री सेंटीग्रेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस टेक्स्ट को जरूर पढ़ें, लेकिन आपने इस टॉपिक के लिए फोकस करना है मेरे लेक्चर पे ताकि आपको आसानी से इस पॉइंट की समझ आ जाए. मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, वाटर लिक्विड स्टेट में भी होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में चला जाता है, जब इसको हम फ्रिज में डालते हैं, रखते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में आएगा. लेकिन किस पॉइंट पे ये बॉयल करना शुरू करता है? 100 पे. जिस पॉइंट पे ये बॉयल करना शुरू करे बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, जिस पॉइंट पे ये सॉलिड बनना शुरू हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. क्या चीजें सीखी प्यारे बच्चों? वाटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस.
सॉलिड लिक्विड गैस, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैस होना शुरू होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बनने शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक और चीज जो हमने पहले जिक्र किया, कौन से स्केल्स हैं? सेल्सियस स्केल्स, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये तीन स्केल आपने देखे, आपने वाटर के थ्री स्टेट्स भी देख लिए, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और एक और चीज भी देख ली, सीख ली आप लोगों ने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप इस चीज को, इसी वाटर को अगर आप केल्विन पे देखना चाहें तो केल्विन पे कितना होगा प्यारे बच्चों? बड़ी आसानी से आप इसको ये समझेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट पे है, कितने पे है? 32 पे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है फारेनहाइट पे? 212 डिग्री। अब अगर हम सेल्सियस वाला थर्मामीटर यूज करेंगे तो वाटर किस पे बर्फ बनेगा, फ्रीजिंग क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसको हम हीट अप करेंगे और हम सेल्सियस ही इस्तेमाल करेंगे तो वाटर कितने पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम फारेनहाइट को लेंगे प्यारे बच्चों, हम ये वाला थर्मामीटर लेंगे तो इस थर्मामीटर के मुताबिक वाटर किस पे फ्रीज किस पे होगा? 32 फारेनहाइट पे। और ये बॉयल किस पे होगा? 212 पे। अब इसमें फर्क सिर्फ ये है प्यारे बच्चों कि ये 0 से 100 पहुंचने के लिए 100 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और फारेनहाइट को 180 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लेकिन आप लोग इस पॉइंट को मजीद जब आप आगे जाएंगे अगली क्लासेस में डिटेल से सीखेंगे। इस क्लास में आपको मैं सिर्फ तीन फॉर्मूले बताऊंगा और आपको पहले ग्लांस में यह पता चले कि कौन कौन से स्केल्स हैं हमारे पास, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अभी जाते हैं इनके फॉर्मूले की तरफ प्यारे बच्चों। इसके तीन फॉर्मूले हैं। हम अगर पहला फॉर्मूला लेते हैं तो वो बहुत आसान है, यानी अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को फ्रीज करने की बात करते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को बॉइल करने की बात करते हैं, तो इसको जब हम फारेनहाइट में चेंज करेंगे, जब हम फारेनहाइट की तरफ लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये फारेनहाइट में इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को पहले देखें। सेंटीग्रेड से फारेनहाइट चेंज करने के लिए 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फॉर्मूला कैसे बना? ये प्यारे बच्चों इस तरह बना कि मैंने आपको बताया था कि सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होता है और फारेनहाइट किस से स्टार्ट होता है? फारेनहाइट स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों अभी हम जाएंगे इनके फॉर्मूले की तरफ, केनी इसके तीन फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है, यानी एफ इज इक्वल टू 9/5 और सेंटीग्रेड प्लस 32। ये कैसे बना? मैंने जिस तरह आपको बताया था, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो सेंटीग्रेड पे कितना था? 0। और फारेनहाइट पे कितना हो गया? 32। जब ये फारेनहाइट पे 32 हो गया तो मैंने इसलिए इसमें 32 प्लस कर दिया। इस फॉर्मूले को आप लोग 9th-10th में ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 32 पे जाएंगे तो हमने इसके फॉर्मूले में ऐड कर दिया। और 9/5 क्यों हो गया? क्योंकि ये 180 हिस्से में डिवाइड है और ये 100 में डिवाइड है। अगर तुम क्या करो, 180 और 100 को डिवाइड कर दो तो आपके पास 9 और 5 आ जाएगा। वो कैसे आएगा? यानी
2 पे हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 9, 2 9s आर 18 और 0 इसके साथ गया, 20 पे डिवाइड किया और 2 5s आर, तो ये जो 9 और 5 इससे आ गए। तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि फारेनहाइट का क्या फार्मूला है, फारेनहाइट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 9 by 5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर हम इसको वापस लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला कैसे उल्टा हो जाएगा, ये 9 और 5 क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, राइट और यहां पे c के साथ प्लस 32 था, यहां पे क्या हो जाएगा c माइनस 32, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी फारेनहाइट से जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में जाते हैं तो प्लस 32 और जब फारेनहाइट से सेंटीग्रेड की तरफ जाएंगे तो माइनस 32। रही बात केल्विन की तो वो बहुत आसान है, उसमें क्या प्यारे बच्चों, यानी फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 है और इसमें क्या है 273 है और ये भी 100 पे डिवाइड हिस्सों में 1 to 100 और ये 273 से 373 पे गया है, तो ये बहुत आसान है। जब हम केल्विन की तरफ जाएंगे तो केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, क्यों कि हमने ये 0 था, इसमें ऑलरेडी 273 ऐड थे तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। सो मेरे प्यारे बच्चों मुझे यकीन है कि आपको 3 फॉर्मूले याद रहेंगे, कौन कौन से हैं, F इज इक्वल टू 9 और 5 C प्लस 32, यानी C इज इक्वल टू 5 ओवर 9 ब्रैकेट में F माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन कितना आसान है, K इज इक्वल टू सी प्लस 32। सो माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज द टर्न ऑफ योर होमवर्क, और होमवर्क कहां से करना है, यस फ्रॉम योर समर पैक, निकालो और कर लो और अप्रिसिएशन अचीव कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल माई साइंटिस्ट डॉटर्स एंड सन्स, अल्लाह हाफिज़।